हाँ तो हम केस को आगे बढ़ाएं? जी बिल्कुल, आप शुरू कीजिए। औजान साहब का कहना है कि उनकी बीवी के पास रहने की एक जगह मौजूद थी। जी, उनकी अम्मी का घर है वो। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी क्लाइंट मजीद अब उस घर में रहना नहीं चाहती हैं। वो एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट खातून है। मुझे नहीं लगता उनको उस घर में रहने में कोई भी मसला होगा जिस घर का वो रेंट पे करती हैं। मसला तो नहीं है, पर क्या करें, अब क्या दोस्तों की तरह रहें। ठीक है, आपकी अम्मी के पास भी घर है, आप वहां क्यों नहीं रहते? जी है, पर उस घर पर हम दोनों का बराबर का हक है, क्योंकि उस घर का रेंट हमेशा ही इन्होंने नहीं दिया है। वो तो हम भी अच्छी तरह जानते हैं और हम उसके खिलाफ कुछ कह भी नहीं रहे। मैं तो बस ये समझना चाहती हूँ कि अगर आपकी बीवी ऐसा कहे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मलिका को उसकी अम्मी के घर जाने का कहने पर उसने इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने सुतेले बाप के घर नहीं जाएगी, हालांकि उनका रिश्ता हमेशा से अच्छा रहा है। मलिका ऐसा सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही है। क्या ये सब आपने नहीं कहा? कहा है। अच्छा, तो क्या आपने अपनी बीवी से कभी पूछा है कि उनको मसला क्या है? जी नहीं। मतलब आपने सीधा उन पर इल्जाम लगा दिया? ऑब्जेक्शन फाइनली। मिस हाले मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है। कबूल किया जाता है, आप उनसे अगला सवाल पूछिए। मिस मलिका, क्या आप मिस्टर औजान को कभी अपने घर के मसलों के बारे में बेझिझक बता पाती हैं? नहीं। और कोई सवाल नहीं, बहुत शुक्रिया। मर्ट, आप सवाल करें। मिस मलिक, आपने पहली बार कब मिस्टर औजान से अलग होने के बारे में सोचा था? क्या आप बता सकती हैं कि इस फैसले की वजह क्या है? नहीं। तो आप हमेशा से इस बारे में सोच रही थी और सही वक्त का इंतजार कर रही थी, बताइए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्वेश्चन लीडिंग है। रद्द किया जाता है। प्लीज सवाल का जवाब दें मिस एमरिक। माजरत चाहती हूँ मिस मलिक। जी हाँ। आपको ये कैसे लगा कि यही सही वक्त है? बस मुझे सही लगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। एक्सक्यूज मी। सुन रही हूँ मैं। तो मैं अपने सवाल का जवाब चाहूंगा। जब हमने वो घर खरीदा, जब औजान साहब ने घर की कंस्ट्रक्शन पे काम करना शुरू किया था, मेरे क्लाइंट औजान साहब हर रोज अपने काम पर जाया करते थे। उसके बाद शाम के वक्त वो अपने आराम का वक्त घर की मरम्मत के काम को देते थे, और इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और यह सब देखते हुए मिस मलिक उन पर धोखा देने का इल्जाम लगा रही हैं, जो कि सरासर गलत है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, शादी में मियां बीवी को एक दूसरे की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरीकों से। इस सिचुएशन में आपके क्लाइंट का बेपरवाह रहना आपको सही साबित नहीं करता मिस्टर मर्ट। कबूल किया जाता है। जी हां, सही कहा आपने। इस लापरवाही की एक ही वजह थी, और ये आप भी मानेंगी कि वो है प्यार का कम होना। पूरे 2 साल तक मलिक मैम ने यह सब कुछ देखकर भी कुछ ना कहना बेहतर समझा। तो क्या ये उनकी मजबूरी नहीं हो सकती मर्द साहब? शायद वो इसलिए चुप रही हूँ क्योंकि उनके पास रहने का कोई और ठिकाना ना हो, कहीं ना जाना चाहने के बावजूद जबरदस्ती आपको वहीं भेजा जाना, ये सब हर सूरत उनका मजबूर होना साबित करता है। शुक्रिया, मुझे कुछ और नहीं पूछना। पहली बात, सबको बहुत मुबारक हो, बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा काम किया है आपने।
बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है कोर्ट से। बैठो दोस्तों, हम जारी रखते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मुबारक हो। हमने ये जंग अपने मौकिलों के लिए लड़ी है सर धुआन। हाँ, करम ने मुश्किलें पैदा की। हमारे लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। लेकिन तुमने जाती जिंदगी को लेकर कुछ ज्यादा ही सवाल तैयार किए थे। इमोशन चेंज हो सकते हैं बाहर, इनसे पुख्ता सबूत हासिल करना बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि तुम अगली बार अपने केस में मजीद पुख्ता सबूतों के साथ पेश हो। बिल्कुल, मैंने भी यही किया था। पर हाँ, किया था, लेकिन तुम्हारे दिफा में एक कमी थी, इमोशंस की। तो हमें कैसे केस तैयार करना है दुआन सर? असल में तुम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, मर्द ने और तुमने, लेकिन तुम लोग कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे, खासकर तुम। हाले, तुम कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गई थी। सबसे अच्छा तुमने परफॉर्म किया मर्द, लेकिन जब तुम जीतने वाले थे तुम भी जज्बाती हो गए थे, जानते हो ना ये बात? हाँ, हमने यहां एक खेल खेला था, लेकिन बाहर कोर्ट में ऐसा कोई खेल नहीं होगा। जब हमारे इमोशन हावी हो जाते हैं तो हम हार जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मगर एक बार फिर आप सबको मुबारक हो, अच्छा केस था। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। और मर्द, अगले केस में तुम मेरे साथ काम करोगे। शुक्रिया आपका, ये बात मेरे लिए वाकई काबिल फखर है। थैंक यू सर। मुबारक हो मर्द। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। पर दुआन सर, इस केस का रिजल्ट? अगर पार्टीज अलग हो रही हैं तो प्रॉपर्टीज भी बांटी जाएंगी। और हां, मलिक मैम ने अपने लिए एक नई जिंदगी बना ली, उस घर में वापस नहीं गई।